हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। कैसे हो सभी? विद फ्रेश ब्रेन्स, पूरे जोश के साथ वेलकम बैक। आप ये सोच रहे होंगे कि जोश में आने को कह रही है पर खुद ही नींदों में लग रही है। तो बात ऐसी है कि मैं नींदों में नहीं हूँ। यहाँ हैदराबाद साइड में एक वायरस फैला हुआ है जिसका नाम आई फ्लू है। ये जो वायरस है सीधा आंखों पर अटैक करता है, आंखें लाल हो जाती है, सूज जाती है, आंखों में से पानी आने लग जाता है, आंखों में खुजली होने लग जाती है, थोड़ा बुरा हाल हो जाता है। थोड़ा क्या, बहुत बुरा हाल हो जाता है। अब तो मैं काफ़ी हद तक ठीक हो चुकी हूँ, पहले तो मेरी आंखें भी नहीं खुल रही थी, इतना बुरा हाल हो गया था। तो बस आपको एक ही सलाह देना चाहूँगी, बच के रहें, सावधान सुरक्षित रहें, इस बीमारी को आने मत दें, क्योंकि बहुत तकलीफ देती है ये बीमारी जो है। तो चलिए आते हैं अपने टॉपिक पे। आज मैं आपको बताने वाली हूँ चंद्रयान 3 के बारे में। चंद्रयान 3 एक ऐसा रॉकेट है जो भारत की तरफ से भेजा। ये रॉकेट जो है, इसका मोटिव तो ये है कि चांद की साउथ पोल पे जाके ये सेफली लैंड करे, इस मोटिव से भेजा गया है। और वहाँ सेफली जाकर लैंड भी कर जाता है तो जो मून है, जो चांद है, उसकी सतह कैसी है, क्या उगाया जा सकता है, किस तरह के क्या एक्सपेरिमेंट हो सकते हैं, वो सब टेस्ट करने के लिए अपने भारत ने एक और उड़ान भरी है, यही समझो। वैसे तो बहुत गर्व की बात है हमारे लिए। चंद्रयान 2 जो था वो एक लास्ट मोमेंट पे जाकर थोड़ा सा मतलब गड़बड़ हो गई थी। वहाँ पे हुआ ये था कि चंद्रयान 2 जो था वो जब लैंड करने वाला था, लैंड इतनी स्पीड थी उस रॉकेट की, जब लैंड करने गया तो वो सिर्फ सरफेस से टकरा गया। और जब वो टकराया तो इसरो वालों के साथ उसका कांटेक्ट जो था वो टूट गया, कनेक्शन टूट गया, कनेक्शन ही नहीं रहा। जो सारी चीज़ कंट्रोल करने वाले सेंसर जो है वो सब इसरो के हाथ में, इसरो के जो साइंटिस्ट हैं वो दिन रात कॉन्टैक्ट और कनेक्शन में ही लगे रहते। जो रॉकेट भेजा गया है उस रॉकेट के साथ कॉन्टैक्ट रखते हैं। पर पिछली बार क्या हुआ, मतलब चंद्रयान 2 के समय में यही हुआ, वो जो चांद की सतह है उससे टकरा गई और सारे कनेक्शन सब कुछ मतलब वहीं पे बिखर गया था। तो उसका कोई अच्छा रिजल्ट नहीं मिला, उसके लिए बहुत दुखी भी थे सब। पर इस बार उन्होंने फिर भी हार नहीं मानी। इसरो साइंटिस्ट जो है उनके लिए एक तरह का सलाम ही करना चाहिए हमें। उनकी हिम्मत सही में, वाकई में काबिल तारीफ हम कह सकते हैं। उन्होंने हार नहीं मानी और फिर से उन्होंने अपनी तरह से एक कोशिश जताई, एक हिम्मत करके उन्होंने फिर रॉकेट को छोड़ा। और हम सब बस एक ही उम्मीद करते हैं कि ये सेफली लैंड भी ज़रूर होगा। तो जब ये जो रॉकेट है इसे बनाने में कितना क्या खर्चा लगा, उसकी अगर मैं बताऊं तो 615 करोड़ रुपए लग चुके हैं। इसके अंदर एक अलग अलग तरह के सेंसर्स लगाए गए हैं रॉकेट के अंदर, और अलग अलग तरह के सेंसर्स और इक्विपमेंट्स, मतलब रॉकेट जो है इसके अंदर दो तरह की चीज़ें भेजी गई है, एक तो लैंडर है, दूसरा है रोवर। लैंडर जो है वो एक लैंडिंग का काम करेगा, सेफली लैंड हो जाए, मून की जो सरफेस है उस पर लैंडिंग का काम करेगा। और दूसरा है रोवर, लैंडर जो है उसके अंदर से निकलेगा रोवर, जो गाड़ी की तरह चलता हुआ निकलेगा और निकल कर चांद की सतह जो है उस पर एक्सपेरिमेंट करेगा। तो हमारा भारत जो है अगर इस काम में सक्सेसफुल रहता है तो हमारा भारत चौथा वो देश होगा जो चांद पर सेफली लैंड कर जाएगा। और उस धरती के सतह पर जो भी मिट्टी है, जिस तरह के अणु मॉलिक्यूल सब्सटेंस जो भी है, उन्हें टेस्ट करेगा, एक्सपेरिमेंट करेगा। पहले 3 देशों के नाम मैं बताती हूँ। पहला है अमेरिका, दूसरा रशिया और तीसरा चाइना। और विश करो कि जो इंडिया है वो हमारा चौथा बने ही बने, सक्सेसफुल रहे ही रहे। तो देखिए, अब ये बताया गया है कि अभी इतना जल्दी वो चांद पर नहीं पहुंचेगा। 23 अगस्त डेट दी गई है कि वो चांद की साउथ वाली पोल पर पहुंच जाएगी, जो अपनी रॉकेट भेजी हुई है वो वहां पे लैंड कर जाएगी। तो बस यही विश करते हैं कि सेफली लैंड हो जाए। और मैं एक और थोड़ा अलग चीज़ बताने वाली हूँ आपको। ये जो चंद्रयान 3 2 था, चंद्रयान 2, उसमें ऐसा सिस्टम किया गया था कि ये अपनी धरती है, समझो ये अपनी धरती है और ये चांद है, तो पूरा डायरेक्टली सीधा का सीधा चांद पर भेज दिया गया था। पूरी इतनी स्पीड और इतना सब कुछ मतलब परफेक्ट था, पर वो स्पीड इतनी थी कि जाके सिर्फ डायरेक्ट सरफेस पे टकरा गई, जो चांद था उसकी सरफेस पे टकरा गई और उस वजह से सब फट गया, वहीं पे तहस नहस हो गया। और इस बार इस चीज़ का ध्यान रखा गया है और चंद्रयान 3 जो है उसे इतने ध्यान से भेजा गया है। अब आप सोचो कि पूरा 1 महीना लेने की क्या ज़रूरत है, जब नासा की तरफ से भेजते हैं तो 4 दिन लगते हैं, 4 दिन 2 घंटे और 45 मिनट, इतना कुछ बस।
असली बात ये है कि इसरो वालों ने इस बार इस तरह की प्लानिंग की है, जो रॉकेट है पहले अर्थ के चारों ओर घूमेगा, धीरे धीरे अपनी स्पीड को कंट्रोल करते हुए ये जो चांद की इक्लिप्स है ना, चांद की लूनर इक्लिप्स में एंटर हो जाएगा और गोल गोल उसको घूमते हुए, चांद के चारों ओर घूमते हुए, चक्कर लगाते हुए अपनी स्पीड को कंट्रोल करके साउथ वाली साइड में आके सेफली लैंड करेगा, अपनी स्पीड को कंट्रोल करते हुए। पिछली बार यही गलती की थी, स्पीड ज़्यादा थी तो वो सेंसर्स ने काम करना बंद कर दिया, कंट्रोल ही नहीं रहा, स्पीड इतनी ज़्यादा थी बस जाके सरफेस पर टकरा गया था। पर इस बार इस चीज़ का पूरा ध्यान रखा गया है और जो स्पेसशिप है मतलब रॉकेट जो है उसे अपनी स्पीड के ऊपर भी, उसके ऊपर भी कंट्रोल कर कर फिर उसे भेजा गया है आरामदायक से, शांतिपूर्वक, एकदम अच्छे से। बस विश करो कि बहुत अच्छे से वो लैंड हो जाए और वहाँ पे अपने जो भारत का है चौथा नाम सक्सेसफुल रहे। बहुत गर्व की बात है हमारे भारतवासियों के लिए भी, हमारे भारत के लिए, सबके लिए। तो जय भारत, जय हिंद, प्रेयर करते रहें कि बस हो जाए। बाय एंड हैव अ ग्रेट डे।